आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स मखनी। ये खाने में भी आसान, बनाने में भी आसान और पचाने में भी आसान। स्वाद तो इसका लाजवाब है। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो मिक्सी का एक जार ले लेते हैं, उसमें डाल देते हैं ये प्याज काट के, दो हरी मिर्च उसको भी काट के डाल देते हैं, एक अदरक का टुकड़ा और 7 से 8 कलियां लहसुन, तो 2 बड़े साइज के टमाटर इसको भी इसमें डाल देंगे। तो सारी चीज़ें हमने जार में डाल दी हैं, एकदम से फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो हमारा पेस्ट तो बनकर रेडी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इधर हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं आप वो चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो हम इसमें पनीर के पीसेस फ्राई करेंगे। पनीर को हमें हल्का फ्राई करना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म ना होने पाए और ये सॉफ्ट रहे। तो पनीर तो लगभग हमारा फ्राई हो चुका है, पनीर का कलर बड़ा प्यारा आया है, लाइट ब्राउन ही रखना है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हम सेम इसी कढ़ाई का यूज करेंगे बाकी की सब्जियां फ्राई करने के लिए। अब डालेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो हमारी शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुकी है, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू छोटे पीसेस में कटे हुए, 1 कप फ्रोजन मटर उसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे। तो सब्जियां हमने सेम क्वांटिटी में ली हैं, 1 कप आलू छोटे पीसेस में कटे हुए, 1 कप पनीर, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप फ्रोजन मटर। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें सब्जियों का वो कॉम्बिनेशन है, इसे घर के सभी लोग खाना पसंद करेंगे और बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ज़्यादा सब्जियां बनाने की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी बचेगा, खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आलू मटर भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी सब्जियाँ फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। तो जीरा तो हमारा भुन चुका है, अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे भी भून लेते हैं अच्छे से। तो ग्रेवी को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल बाहर नहीं आने लगता। तो ग्रेवी तो हमारी बहुत अच्छी भुन चुकी है, इसमें से ऑयल बाहर आने लगा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को चलाते हुए भून लेंगे और इसमें करीब 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून सकें। और 2 इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं मसालों के साथ, इसे भी भून लेंगे। तो मसाले तो हमारे बहुत अच्छे भून चुके हैं, चारों तरफ से खुशबू ही खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। और सब्जियों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें मसाले चारों तरफ से अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। तो सब्जियां तो लगभग फ्राई हो चुकी हैं, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम पहले से इन्हें फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे 1 बड़ा गिलास पानी का यूज किया है। पानी की क्वांटिटी का हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो ज़्यादा थिक या पतली ना रहे, सब्जी हमारी परफेक्ट बने। तो इसे ढक देते हैं, 10 मिनट पकाएंगे ढक के। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को चेक करेंगे, सब्जी हमारी पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमें सबसे लास्ट में डालना है ताकि इसका फ्लेवर और कलर लाजवाब बना रहे, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम वेजिटेबल्स बटर मखनी बना रहे हैं, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर।
मिक्स कर देते हैं। तो सब्जी हमारी एकदम से बनकर रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। इस सब्जी में आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं, मशरूम, ब्रोकली या आपको जो भी सब्जियां पसंद हैं आप डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल्स मखनी बनकर तैयार है। आप इसे नान, चपाती या चावल के साथ खाइए और अपने अनुभव मेरे कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थोड़ा एक्सरसाइज तो बनता है, तब तक के लिए नमस्कार।